सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर। केपीआई ग्रीन एनर्जी बेसिकली आप लोग देखोगे सोलर पावर के अंदर लगी हुई है, सोलर इंडस्ट्री कंपनी है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि स्टॉक का प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान हाई बनाने के बाद 1080 का हाई बनाया इसने पहले, उसके बाद जो शेयर है वो लोअर सर्किट में हमें आते हुए नजर आए, अभी लोअर सर्किट स्टॉक में लगा है। तो ऐसे में बहुत से भाई हैं जो इस शेयर में अभी पीछे जब इसने स्प्लिट अनाउंस किया था उसके टाइम यहाँ पर एंट्री ले ली, या फिर रिजल्ट जब स्प्लिट की डेट अनाउंस की थी तब इसमें जिन्होंने एंट्री ले ली 1785 रुपये के आसपास, 1800 के आसपास। ये हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने बताया था। और अगर आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयर प्रोवाइड करते रहते हैं भाई। तो आप लोग अगर चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया, सभी की हवा टाइट हो गई, भी क्या करें, स्टॉक तो गिरने लग गया। देखो भाई, हाई बनाया है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर हमें जो क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में करेक्शन है, तो मार्केट में करेक्शन की वजह से यहाँ पर दबाव रहा है, बाकी कंपनी में कोई कमी नहीं है। आप लोग अगर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और केपीआई में से एक कंपनी चुनोगे तो मैं केपीआई को जो ना भी कहूँगा कि केपीआई बेस्ट कंपनी है दोनों के अंदर। वारी रिन्यूएबल है, काफ़ी टाइम होगा वो भी स्टॉक नहीं चल रहा है, 1700, 1800, 1900 उसी रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। बट केपीआई ग्रीन एनर्जी ने पीछे ब्रेकआउट दिया है, अभी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग और जो मार्केट में फॉल है इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर से फिसला है। बट जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं, अभी आगे रिजल्ट्स भी हैं, बजट भी है 23 तारीख को, कल का दिन बीच में, परसों बजट है, फिर इसके रिजल्ट्स भी आएंगे कंपनी के, तो इसलिए ये स्टॉक आगे चलकर एक अच्छी रैली देगा। बट लॉन्ग टर्म में आपको जो अभी इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं कि आज खरीदा, एक हफ्ते बाद निकाल दिया, दो हफ्ते बाद निकाल दिया, हमें जो अभी इतना रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और जिन भाई ने पेशेंस दिखाया है, होल्ड किए हैं, उन्हें 8-10% के रिटर्न अभी के टाइम भी उसके पोर्टफोलियो में हमें शो हो रहे होंगे। तो आगे भी जो अभी स्टॉक अच्छा जो अभी एक इफेक्ट देगा, आने वाले टाइम में स्टॉक जो यहाँ से डबल होते हुए नजर आएगा, क्योंकि पहले भी जब इसने बोनस दिए हैं दो बार, उस टाइम भी स्टॉक का प्राइस हाफ हुआ, और हाफ होने के बाद फिर डबल, हाफ हुआ फिर डबल, इसी प्रकार आप स्प्लिट दिया है, स्टॉक का प्राइस हाफ हुआ है, हाफ से फिर ये डबल जाते हुए नजर आएगा। इस करंट प्राइस की 1000 से 2000 के लेवल टच करेगा अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में, उससे पहले भी आ सकती है रैली। तो चलिए भी इसी बीच मार्केट क्लोजिंग में एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, चलिए जानते हैं डिटेल में क्या खबर है। और पैनिक नहीं होना, जिन्होंने हाई प्राइस से खरीद लिया तो भी पैनिक मत होना, और जिन्होंने पहले खरीदारी की हुई तो भी पैनिक नहीं होना है, अभी होल्ड करने का टाइम है, होल्ड कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी ये खबर हमें देखने को मिली 20 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के टाइम, ठीक है, यानी कि मार्केट बंद है छुट्टी के कारण, इस वजह से यहाँ पर जो अभी ये खबर आई है। यहाँ पर देख सकते हो भी एनएससी बीएससी की साइट पर इसका चेकआउट भी आप लोग कर सकते हो। कंपनी को एक और जो ऑर्डर है वो मिल चुका है 100 मेगावाट का, ये 100 मेगावाट का जो अभी एसी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड, यानी कि महाराष्ट्र से जो अभी कंपनी को ये ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे पहले भी कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ था 100 मेगावाट का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 19 तारीख को ये कंपनी को ऑर्डर मिला था, ठीक है, बीएससी एनएससी की साइट पर इसको भी चेकआउट आप लोग कर सकते हो। 100 मेगावाट का कंपनी को यहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट मिला है, और ये प्रोजेक्ट आप लोग देखोगे मिला भी अथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। तो ये दो ऑर्डर कंपनी को मिले हैं प्रीवियस 19 और 20 तारीख के दिन। तो यहाँ से इसलिए मैं बोल रहा हूँ गिरावट को लेकर परेशान न होइए, आगे स्टॉक में रैली बनेगी, ऑर्डर बुक अच्छी है, और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से सोलर इंडस्ट्री को लेकर जो काम चल रहे हैं उन सबको देखते, और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से पर ऑर्डर निकले जा रहे हैं उन सभी को जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगे सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनियां उनके ऊपर। तो इसलिए इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, बट सस्टेन नहीं कर पाया भाई, 1053 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट था, वहाँ पर स्टॉक ऊपर में गया 1080 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद स्टॉक में सीधा लोअर सर्किट। अभी टाइम सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 950 रुपये के आसपास, तो 950 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये स्टॉक अच्छी खासी करेक्शन देता है, ठीक, उस पर उसी भाव में फिर से आता है 880-900 रुपये के आसपास फिर से आए, तो वो एक फ्रेश एंट्री का फिर बड़ा मौका होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी बैठे रहिए, और इसे जो अभी होल्ड करें चलना अगले 3 से 6 महीने के लिए ठीक रहेगा। अगर बीच में कोई मार्केट में बड़ी करेक्शन बन रही है या फिर उन शेयरों में हेल्दी करेक्शन आती है तो वो एक अच्छा ही मौका होगा, अभी जैसे आपको पीछे भी देखने को मिला, तो अभी के टाइम होल्ड करना सही है। और बाकी जो कोई खबरें आएंगे इसके रिगार्डिंग वो आपके साथ साझा करेंगे, भी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।